The next day. मुझे याद आ गई आप लोगों की, देख लो मैं इतना ही बेवफा नहीं हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ। काफ़ी देर बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। मुश्किल कैसी हो रही है, लेकिन मोटर भी चल रही है पीछे, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, आ रही है ना। अच्छा तो वो सीन ये कि ऑटो शो आ गया, अब आप लोगों को पता है सियालकोट जाना है पार्क वीर्स का ऑटो शो है। अभी फ्रेश फ्रेश इस्लामाबाद से हो गए हैं, और अगर मुझे पता होता ना कि यार पार्क वीर्स ने सडनली अपने ऑटो शोज अनाउंस कर देने, तो मैंने प्रॉमिस नहीं था जाना इस्लामाबाद, क्योंकि पार्क वीर्स का ऑटो शो जो इस्लामाबाद का वो मुझे मिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद से हो गए हैं। ये जी हमारे माशाल्लाह रिम टायर पड़े हुए हैं, और आप इनकी हालत चेक कर सकते हैं। ये देखना, ये देख रहे हो कितना कट्टा है, और एक नज़र आया इनकी भी अभी सफाई होनी है, और बहुत ही बुरे हालात हैं इनके। ऐसे ही अब इनको गाड़ी में रखना पड़ेगा, और गाड़ी के अंदर सारा मिट्टी कटा जाएगा, तो कोई नहीं अब इनको लेके चलते हैं। लेके तो जाना ही है, वॉश करवा लेंगे सर्विस स्टेशन से। भी आपके भाई के साथ प्रैंक हो गया, और जैसे ही मैंने पहला रिम टायर उठाया गाड़ी में रखने के लिए, मुझे एक सरप्राइज़ मिला है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पता नहीं ये दुख ख़त्म क्यों नहीं हो रहे ज़िंदगी के। ये देख रहे हो, ये स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, ये स्पाइडरमैन भी है, लेकिन ये देख रहे हो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, बबल आ गया है, और ये इसकी साइड वॉल क्रैक कर गई है, इधर भी एक क्रैक है छोटा सा। ये जी एम्प्रेस पालो उठा लाए हैं अपना म्यूकन का 4 पीस, अब ये भी फुल मिट्टी कटी हुआ है, आप देख सकते हो कितनी देर हो गई इसको लगाए हुए। अब इसको भी भाई धो के साफ सूफ कर लें, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी पार्क व्हील्स ऑटो शो पे। हाँ तो भाई अभी सीन इस तरह है कि अब हम जा रहे हैं बाहर गाड़ी का काम शाम करवाने। पहले मेन काम जो है वो तो है जी हमारे बूफर का डब्बा, नया हमने बूफर का डब्बा लेना है, क्योंकि जो हमारा पुराना वो हमने तोड़ तोड़ के वो फेंका हुआ सामने पड़ा है। वो स्प्रिंग तो हिले ही नहीं, जोड़े पिछले पाने सी वो स्प्रिंग पड़े हैं हमारे लोअर रिंग्स RSR के, तो हम वो तो पकड़ने पहले। यार हाथ धोए थे फिर हाथ गंदे हो जाने, अब क्या यार पे ने साढ़े RSR दे लोअरिंग स्प्रिंग्स, और ये हमारा पुराना बूफर का डब्बा ये बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया। आपके भाई को ना एक बड़ा मसला आ रहा है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, ये जो है ना दी हवा ये बंद ही नहीं हो रहा यार, बार बार ये रेडियो चल जाता है, अभी रिवर्स करूंगा गाड़ी फिर रेडियो चल जाएगा, फॉरवर्ड करूंगा फिर चल जाएगा। रेडियो की यार एप्लीकेशन डिलीट करनी है, मुझे कोई तरीका बताओ इस एंड्रॉयड टीवी में से ना हम ये कर दें डिलीट, क्योंकि हमें तो रेडियो ना सुनना होता है और ना हमारी गाड़ी में रेडियो चलता है, तो हमें कोई तरीका बताओ कि हम ये डिलीट करें। अभी निकला हूँ मैं, अभी हम आपको पता किधर जा रहे हैं, आप ज़रा गैस करो करो गैस काम करवाने हम किधर जाते हैं, ज़रा मुझे कमेंट में बताओ ताकि पता लगे आप लोग मेरे व्लॉग सही तरह देखते भी हो गए नहीं, बताओ फटाफट मुझे कमेंट में कि हम किधर जा रहे हैं, मैं बताऊं फिर सोच लो, एक दफा फिर सोचो हम किधर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आप सबके फ्रेंड जोगी मैर उर्फ जजी मैर की दुकान पे, और वो हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 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 यस वी आर हियर एट जोगी मैर। ये जी हमारे बशिंदा ने हमारा इशारा देख लिया, अब हमारा बशिंदा आ गया, चेक करो जरा इसकी मुस्कुराहटें चेक करो। अस्सलाम वालेकुम लल्लाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हो? मैं कहा आवाम को बता दें, पूछा मैंने पहले उनसे, मैं कहा बताओ यार आप सब हम काम करवाने किधर जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं कहा अगर आपको पता है, अगर आप हमारे ब्लॉग सही तरह देखते तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम डॉक्यूमेंट पढ़ लिया इस वीडियो दे ताकि तेन पता लगे कि किन्ने लोग तेन जानते ने। लाइव नहीं हूँ। अच्छा, यू आर इन द व्लॉग ब्रो, YouTube, यू नो फेमस आदमी होने लगे हो बाप मेरी वजह से। तो अब सीन इस तरह है कि सियालकोट का आ गया शो, आपको पता होगा, आपने जाना है? भैया आप नाना गए, आपकी टांगे तोड़ दे क्योंकि इस्लामाबाद आप गोली करा गए थे हमें। तो अब सीन ये है कि हमने बूफर का डब्बा तोड़ के घर फेंक दिया हुआ,
बुफर पड़ा डिग्गी में ये कुछ और ही गलत ना मतलब ले लें वहां में जो ठा ठा पकड़ के कर रहा है ऐसे ही है क्या पकड़ा है तुमने लल्ला खुल्ला की तो है पेंडे आ गई छोड़ इसको दफा कर तू मुझे बता जी जी बुफर डब्बा बन जाना है यार लल्ला ये देखो क्यों टेंशन लेते हो अच्छा बनवाना अच्छा फिर लल्ला देखो लल्ला ये फिर पहले कौन सा था पहले तो वो दूसरा था इम्पोर्टेड होगा ब्रो ऐसे ब्रांड का इम्पोर्टेड होगा बनया इम्पोर्टेड बड़ा क्वालिटी इम्पोर्टेड कितना था यार लाला बड़ी अच्छी चीज बनेगी यार डिब्बा अच्छा बड़ा लेवल है ए देखो लाला जी गो बनेगा अच्छा एक कार्डबोर्ड लगा है ठीक है जिवें अमेरिकन बुफर नहीं होता समझो इना डिब्बा बन जाएगा अमेरिकन बुफर जो ख्याली में बनेगा हां थे बनेगा बन जाएगा माशाल्लाह जी गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है ये भी उठा दी है रिवर्थ हवाओं में और इधर से आपके बाइक गाड़ी किट लगी है नीचे चेक करो फुल जमीन पर लगी है क्योंकि दूसरी साइड से उठाई हुई है पिछला स्प्रिंग भी फिट हो गया लोअरिंग कैम्बर किट भी लग गई है अभी जब इनकी सेकी रहेंगे नीचे तो फिर थोड़ा बहुत हल्का बिल का जो कैम्बर है हमारा वो शो होगा ये मुझे लग रहा है कम कैम्बर है तो हम इसकी कैमरा एडजस्टमेंट करवा लेंगे भी तो जी आपके भाई की फ्रेश गाड़ी लो हुई है चेक कर सकते हो इसका काम हो रहा है अभी और अभी हम निकालते हैं ये प्रेशर मार रहा है चेक करवाते हैं क्यों मार रहा है और एक हमारी LED सड़ गई है तो ये आप चेंज करवाएंगे या तो हम इसे निकाल ही देंगे इस जगह ब्लैक टेप करवा देंगे और हमारी किट खूबसूरत हो जाएगी मैं हमारा फ्रेंड सेक्सीएस्ट स्विफ्ट वाला इसने पहले MK4 तैयार की थी MK4 सुपरा थी आपकी जी जी सुपरा लाइट ने तैयार की बटों का बट कासिम बट ये पोमी बट के रिश्तेदार हैं ठीक है डॉन है गुजरा वाला के इलेक्शन लड़ते हैं MPMN इनके घर के हैं ठीक गाड़ी के काम करवाने हो ना तो बड़ी खुवारी होती है मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ अभी ये चेक करें जी दिस इज शादा मैर फॉर यू ये लड़का है वो माशाल्लाह फिटमेंट चेक करें एयर वाली गाड़ी है ये और ये आपकी अपनी चेक दिस आउट आपकी अपनी तो बोन है जी हम गल्फाम सिलेंडर पे खड़े हैं और स्ट्रेट वाइब हो गया बस ये चेक करो जी फिर सड़क पे लगी गाड़ी चेक दिस आउट ये जी शादब की FC चेक करें आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है ये भी डबल पाइपिंग स्ट्रेट पाइपिंग हो रही है उस्ताद जी डिग्गी खोलो जरा सानू अपना ये तो सेटअप आओ ये जी चेक करें आप फ्रेश एयर फोर्स एयर सस्पेंशन फॉर यू सिंगल कंप्रेसर वेरी नाइस nice.